ये आपका, आप क्या लूंगा मैं सिस्टम इस, अब मैं केवल ब्लॉक को सिस्टम नहीं ले रहा हूँ बेटा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि केवल ब्लॉक को सिस्टम लूंगा तब तो के एक्स एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा, ठीक है ना, और पोटेंशियल एनर्जी ऐसी कोई कंसेप्ट नहीं आएगी। तो मैं एडवाइस कर रहा हूँ आपको कि आप स्प्रिंग को सिस्टम में ले लें और फिर एक्सटेंडेड फॉर्म अप्लाई कर दें, क्योंकि स्प्रिंग का वर्क लिखने से अच्छा है आप उसकी पोटेंशियल एनर्जी में डील करें, गलती नहीं होगी, काफी क्लियर होता है। ये आपका टी इक्वल टू जीरो पर ब्लॉक यहाँ पे था, आपने खींचा उसको, किससे खींचा, एक्स डिस्टेंस से खींचा, मान लो आपने एक्स खींच लिया था ब्लॉक, ठीक है, और ए पोजीशन पर रिलीज कर दिया। तो जब ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर आ जाएगी तब ब्लॉक की स्पीड कितनी होगी ये पूछ रहा हूँ, ठीक है। जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से पास होगी, वापस ब्लॉक यहाँ से निकल रहा होगा इस पोजीशन से, तो फिर उसकी स्पीड कितनी होगी। तो क्या कैसे करते हैं, देखो स्प्रिंग प्लस ब्लॉक सिस्टम में ले लिया, सब ध्यान से देखेंगे बेटा, इधर स्प्रिंग प्लस ब्लॉक एस सिस्टम, स्प्रिंग और ब्लॉक को सिस्टम में ले लिया मैंने, ठीक है। तो ये ए पोजीशन पे था, ये बी पोजीशन पे है, ए पोजीशन पे रिलीज कर दिया, तो मैं क्या बोलूंगा, एनर्जी एट ए इक्वल्स टू एनर्जी एट बी, ये बोल सकता हूँ, क्योंकि इन पूरे सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, स्प्रिंग प्लस ब्लॉक पे यहाँ पर अटैचमेंट है इसका, बट इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो यहाँ पे वर्क डन जीरो है, ठीक है। तो स्प्रिंग प्लस ब्लॉक सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं होने के कारण, कोई फ्रिक्शन विक्शन नहीं होने के कारण स्प्रिंग और ब्लॉक के बीच में, हमने इसकी मैकेनिकल एनर्जी क्या करेंगे, सिस्टम की कंजर्व कर देंगे। इनिशियल कहाँ पे था ब्लॉक, यहाँ पे था, तो वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी लिखिए। कैसे लिखते हैं मैकेनिकल एनर्जी, हर्ष बता सकते हैं हम मैकेनिकल एनर्जी कैसे लिखूंगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो ए पोजीशन पे रिलीज किया है आपने, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है, आ रही है सबको बात समझ में, और ए पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू, जब ये बी से निकल रहा है तब, क्योंकि इसका काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है, वही स्पीड पूछी है आपसे, ठीक है। बट यहाँ पर बी पर क्या है, नेचुरल लेंथ पे होने की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यहाँ से आपकी स्पीड क्या निकल आई, इसकी स्पीड कितनी आ गई, अंडर रूट के बाई एम इंटू, या इसको एक्स नॉट बोल देते हैं, चलो एक्स नॉट तक खींचा था, एक्स नॉट कर दो, रूट के बाई एम इंटू एक्स नॉट, मीन पोजीशन से जब गुजर रहा होगा तब ब्लॉक की स्पीड इतनी होगी, ठीक है। जब मीन पोजीशन से निकल रहा होगा तब ब्लॉक की स्पीड आपकी इतनी होगी, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को भी, बात क्लियर है यहाँ तक, सिंपल सा प्रॉब्लम था, बट कैसे लगाया क्लियर होना चाहिए, इनिशियल फाइनल पोजीशन डिसाइड कर लिए एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एनर्जी के लिए। स्प्रिंग को सिस्टम में लेके हमेशा एक्सटेंडेड फॉर्म यूज कर लेंगे, क्योंकि तो पोटेंशियल एनर्जी काफी क्लियर है, एक्स खींची भी हो एक्स दबी भी हो, सीधी हाफ के एक्स स्क्वायर लिखनी है। तो एक और एग्जाम्पल देखिए, ये जो बात है ये हमेशा याद रखने वाली बात है जो मैं अब कर रहा हूँ, ठीक है ना, जो मैं आपसे अब कर रहा हूँ वो आप हमेशा ध्यान रखेंगे। देखिए क्या कह रहा हूँ मैं आपको, एक बार ध्यान से देखिए, इस तरह से मान लीजिए आपका ये सिस्टम दिया है मैंने, फाइन इस तरह से देखिए बेटा, इसका एक एक स्टेप, आज के बाद डाउट ना हो, इसमें बहुत डाउट रहते हैं इसमें, कि वर्टिकल आपने एल नॉट से रिलीज किया है पार्टिकल को जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे थी अपनी, ठीक है ना, जब स्प्रिंग आपकी एल नॉट नेचुरल लेंथ पे थी, आपने वहां से ब्लॉक को रिलीज कर दिया, तो ब्लॉक का आपको बताना है कि स्प्रिंग का मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना है, ठीक है ना, आपको क्या बताना है कि स्प्रिंग का मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना है, कैसे बताएंगे आप स्प्रिंग का मैक्सिमम एक्सटेंशन। तो पहले तो आप ये समझिए इसमें इक्विलिब्रियम कहाँ पर आता है, इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा इसमें बताओ, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पर होगी इसमें, कोई बता सकता है यहाँ से कितनी दूर इक्विलिब्रियम आएगा, जल्दी से मुझे इसका सारा एनालिसिस कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, नेट फोर्स जीरो होता है, तो मैं पूछ रहा हूँ कितना आपने एल नॉट से रिलीज कर दिया, तो कितना मूव करने के बाद स्प्रिंग के कितने एक्सटेंशन पे नेट फोर्स जीरो आएगा, दीपेंद्र बताओ जल्दी बताओ बेटा फटाफट, आगे बढ़े अपन, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर एक्सटेंशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर एक्सटेंशन कितना होगा स्प्रिंग का, कौन बताएगा, कोई बताओ जल्दी। हाँ वेरी गुड, हाँ किसको, स्प्रिंग फोर्स और एमजी को ना, हाँ तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी बट मैक्सिमम एक्सटेंशन नहीं होगा, ये ध्यान रखिए, क्योंकि फोर्स जीरो होने का मतलब ये नहीं है पार्टिकल रुक गया, फोर्स
अगर पार्टिकल पे पहले से स्पीड थी तो वो फोर्स जीरो होने के बाद नहीं रुकेगा। तो देखो क्या है इसमें, यहाँ पर देखो आपने रिलीज किया, यहाँ से सुनते जाएंगे ध्यान से, ठीक है ना। यहाँ से आपने रिलीज किया, रिलीज करने के बाद इसका एक्सटेंशन बढ़ता जा रहा है, ध्यान से बिल्कुल, एक्सटेंशन बढ़ता जा रहा है स्प्रिंग का, तो स्प्रिंग फोर्स बढ़ता जा रहा है के एक्स, ठीक है। बट बढ़ते बढ़ते एक स्टेज आएगी, क्योंकि एम जी कॉन्स्टेंट है नीचे खींचने वाला, बट के एक्स बढ़ता जा रहा है, तो जब ये नीचे उतर रहा है एक्सटेंशन बढ़ने की वजह से एक स्टेज ऐसी आएगी जबकि आपका के एक्स एम जी के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। उसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ उसको, इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो। तो जब आपका स्प्रिंग फोर्स बढ़ते बढ़ते एम जी के बराबर पहुंच गया, उस स्टेज पर स्प्रिंग जितना खिंची होगी उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स इक्विलिब्रियम इक्वल टू एम जी बाई के, तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई। बट वहां पे रुका नहीं क्योंकि स्पीड थी इसकी, ठीक है। ये जैसे ही आगे निकलेगा तो देखो अब के एक्स का फोर्स ज्यादा हो जाएगा बेटा, क्योंकि एक्स यहाँ पे था तब एम जी के बराबर हो गए। अब अगर मैं एक्स को बढ़ाऊंगा तो स्प्रिंग फोर्स ज्यादा होगा, तब इसके जब आगे चल रहा है तो नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है इस पर, इससे पहले नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में था इक्विलिब्रियम पोजीशन से। आप देख रहे हैं बेटा ये चीज, जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऊपर था तो इस पर नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, जब इसने इक्विलिब्रियम पोजीशन क्रॉस कर ली तो उसका एक्स की वैल्यू एम जी बाई के से ज्यादा होने की वजह से नेट फोर्स ऊपर की तरफ आने लग गया, तो इसकी स्पीड कम होती रहेगी और एक प्राइम पर आकर ये रुक जाएगा आपका। तो पूछा क्वेश्चन में वही गया, मैक्सिमम एक्सटेंशन मतलब एल नॉट के बाद से कितनी दूर जाके ये रुकेगा, ठीक है, कितनी दूर जाके ये रुकेगा। तो क्या है, अब आपको समझ में आ गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे तो नहीं रुकेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर एम जी बाई के तो नहीं होगा। अब ये तो छोड़ दीजिए आप बिल्कुल, अगर अभी कोई कर रहा है, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम पोजीशन है एम जी बाई के, वहां पर मैक्सिमम एक्सटेंशन नहीं है, तो कहाँ पे होगा, जहां पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो आप क्या करिए, फिर वही कहानी है, स्प्रिंग प्लस ब्लॉक सिस्टम ले लें आप। स्प्रिंग प्लस ब्लॉक सिस्टम ले लिया आपने और एक्सटेंडेड फॉर्म अप्लाई कर दी इसमें क्या, ठीक है ना। स्प्रिंग प्लस ब्लॉक सिस्टम लेके आपने एक्सटेंडेड फॉर्म अप्लाई कर दी, क्योंकि आपको पता है कि जब भी स्प्रिंग होती है उसे सिस्टम में ले लिया जाता है। एक्सटेंडेड फॉर्म यही है, एक्सटर्नल प्लस जीरो, या आपका 99% जीरो होगा, क्योंकि बेटा फ्रिक्शन अगर होगा तो हम उसको सिस्टम में इंक्लूड ही नहीं करेंगे। और दो ब्लॉक है उनके बीच फ्रिक्शन है तो हम उनको अलग अलग सिस्टम लेंगे, ठीक है। ये वाला टर्म हमारा 99% जीरो ही रहेगा, नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल वाला। एक्सटर्नल में क्या आ गया, स्प्रिंग प्लस ब्लॉक में एम जी आ गया, एम जी पता है आपको कैसे वर्क करता है, यहाँ से यहाँ तक कितना उतर गया, मान लिया एक्स मैक्स उतर गया है, एक्स मैक्स बोल रहा हूँ, तो वर्क डन बाई एम जी एक्स मैक्स इक्वल टू हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक है नहीं, जब रिलीज किया था तब एल नॉट से रिलीज किया है हमने यहाँ पर, तो एल नॉट से जब रिलीज किया है तो काइनेटिक भी नहीं है, पोटेंशियल भी नहीं, तो इसलिए ये भी जीरो प्लस जीरो हो गया। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स मैक्स कितना आ जाएगा आपका, 2 mg बाई के एक्स मैक्स आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना आ जाएगा, 2 mg बाई के आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ बेटा मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालने में तो वो मुझे बताए। ध्यान रखें जब भी, एक ये चीज आप जनरलाइज भी कर सकते हैं कि जब भी एक कांस्टेंट फोर्स से आप खींचेंगे इसको, ठीक है ना, आप इसको जैसे उस पर लेके देख लीजिए, जैसे मान लो आप इसको हॉरिजेंटल एक कॉन्स्टेंट फोर्स से खींचेंगे तो हमेशा जो आंसर एफ अगर कांस्टेंट फोर्स है तो 2f/k क्या आ जाएगा। एक बार करके देख लेते हैं, कोई बुराई नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो ये जनरल है कि हमेशा आप कांस्टेंट फोर्स से अगर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को खींच रहे ना बेटा, तो जो मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा वो इक्विलिब्रियम का हमेशा ही ट्वाइस आ जाएगा। आप चेक कर सो, जनरल है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर एम जी भी कॉन्स्टेंट फोर्स था, ऐसे मान लो एम है, ये आपका एल नॉट था, गौर से देखेंगे बिल्कुल इसको, कॉन्स्टेंट फोर्स कैपिटल एफ से आप खींच रहे हैं इसको, ठीक है। तो आपसे पूछा, बताओ मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना, मैक्सिमम स्प्रिंग खिंच सकती है अगर कांस्टेंट फोर्स एफ से खींचा जाए, तो क्या हो गया, इसमें भी कुछ नहीं हो गया, ऐसा ही तो है, इसकी पोजीशन यहाँ पे थी, जब आप खींच के यहाँ तक ले गए, मान लो ये वो पोजीशन है जहाँ पर इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम निकाल लो कितना होगा, कैपिटल एफ इक्वल टू एक्स इक्विलिब्रियम, तो एक्स इक्विलिब्रियम कितना आ गया आपका, एफ बाई के आ गया। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को थोड़ी भी दिक्कत हो रही है यहाँ तक इस तरह की बातें समझने में, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स पढ़ चुके हैं ढंग से, ठीक है। तो जब बराबर हो जा रहे हैं, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो अब मैक्सिमम निकालना है, तो एक्स मैक्स के लिए वही कर दो आप। इसमें क्या हो गया, एक्स मैक्स का मतलब क्या है, स्प्रिंग प्लस ब्लॉक सिस्टम, तो एक्सटर्नल
इक्वल टू फाइनल, वो जीरो हो गया नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है स्प्रिंग ब्लॉक पे, एफ है, कितना हुआ, एक्स मैक्स हुआ वर्क। फाइनल पोजीशन पे बेटा बहुत अच्छी तरह सिखा दिया है मैंने, सीख लें इसको, कभी गलती ना करें इस तरह की छोटी मोटी इक्वेशन लगाने में। फाइनल मैकेनिकल एनर्जी कहाँ पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर, वेलोसिटी जीरो है उसी को हम एक्सट्रीम पोजीशन बोल रहे हैं कि भैया और आगे नहीं जा सकता, वहाँ रुक गया वो, फिर वापस ही आएगा, फिर बेसिकली तो इसके अबाउट ऑसिलेट करेगा, इसमें भी यही होगा, इसमें डाउट तो नहीं। आप यहाँ से रिलीज कर देंगे जाकर, रुक थोड़ी नहीं जाएगा कि स्टेबल हो गया, ये ऊपर नीचे ऑसिलेट होता रहेगा, वो बात अपन SHM में करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन में करेंगे वो बात, कि यहाँ से रिलीज किया यहाँ जाके ब्लॉक हमेशा के लिए नहीं रुका, हमेशा के लिए रुकेगा तो यहीं रुकेगा बेटा वो, तो जब इसके ऑसिलेशन धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे एयर रेजिस्टेंस और सब चीजों की वजह से। ठीक है, तो फाइनल तो यहीं रुकेगा, बट हम वो नहीं पूछ रहे हैं कहाँ रुकेगा, हम पूछ रहे हैं मैक्सिमम कितना खिंचेगी अगर एम ब्लॉक से इसको हैंग कर दिया, तो ये मैक्सिमम जितना खिंचेगी उसके लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। ठीक है ना, वैसे यहाँ पर कैपिटल एफ फोर्स से खींचना शुरू किया तो मैं पूछ रहा हूँ कि 1 मिनट बेटा 1 मिनट, ठीक है, मैक्सिमम कितना खींचेगी ये निकालने के लिए क्या, एफ इक्वल टू के एक्स इक्विलिब्रियम, तो एक्स इक्विलिब्रियम कितना आ गया एफ बाई के, तो एक्सटर्नल वर्क क्या होगा, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। फाइनल कितना लिखोगे आप, फाइनल लिखोगे हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी है नहीं फाइनली उसी को बोला है, माइनस इनिशियल आपने जीरो स्पीड से खींचना शुरू किया, नेचुरल लेंथ से खींचना शुरू किया, तो इस इनिशियल पोजीशन पे ये फाइनल है ये इनिशियल है, तो आपकी एक्स मैक्स कितने आ गया, एक्स मैक्स आ गया 2f/k आ गया, ये आपका मैक्सिमम एक्सटेंशन रहेगा। ठीक है ना, मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना रहेगा आपका 2f/k, वैसे ही आ रहा था एफ की जगह बस mg था, 2mg/k। जब भी आप कांस्टेंट फोर्स से सुनेंगे खींचेंगे तो आप ध्यान रखिए मैक्सिमम एक्सटेंशन इज ट्वाइस ऑफ एक्स इक्विलिब्रियम, हमेशा ही आ जाए इसी तरीके से। ठीक है ना, इफ ब्लॉक इज पुल्ड बाय ए कांस्टेंट फोर्स, इफ ब्लॉक इज पुल्ड बाय ए कांस्टेंट फोर्स, तो हॉरिजेंटल कांस्टेंट फोर्स हो या फिर वर्टिकल कांस्टेंट फोर्स हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपने कांस्टेंट फोर्स से खींचा है तो मैक्सिमम एक्सटेंशन विल बी ट्वाइस ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो बहुत सिंपल सी कहानी है बेटा, एक्सटेंडेड फॉर्म को यूज करते हुए मैंने बताई है, कोई दिक्कत हो तो बताइए।